पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत बरस रही है। भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में हालात बिगड़ गए हैं। हिमाचल से कुल्लू में एक इमारत देखते ही देखते बह गई। कुल्लू के मणिकर्ण में नदी के तेज बहाव में पलक झपकते ही एक इमारत पहले तो जमींदोज हो गई और फिर नदी के तेज बहाव में वो इमारत बह गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक ताश के पत्ते की तरह इमारत पानी में बह गई। एक इमारत देखते ही देखते पानी में बह गई। कुल्लू से तस्वीर सामने आई है। आप देख सकते हैं कई मंजिला ये इमारत, कैसे इसकी नींव कमजोर होती है और ये पीछे सैलाब के पानी के साथ बह जाती है। देखते ही देखते एक तीन मंजिला इमारत ढह गई और उस पीछे सैलाब में बह गई। मुसीबत मूसलाधार हर तरफ, कहीं बादल फट रहा है, पहाड़ों पर बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है। ऐसे में जो सैलाब का तेज बहाव है वो अपने रास्ते में आने वाले हर घर, इमारत, होटल को बहा ले जा रहा है। ऐसी ही आफत इस तीन मंजिला इमारत पर भी टूटी, जो कि जिसकी नींव धीरे धीरे कमजोर हुई और ये इमारत ताश के पत्ते की तरह सैलाब के साथ बह गई। बलिया में घाघरा नदी के कटान का कहर जारी है। कटान के चलते एक सामुदायिक शौचालय ढहकर गिर गया। शौचालय के घाघरा में ढहने का वीडियो वायरल हो रहा है। बांसडीह क्षेत्र के भोजपुरवा ग्राम पंचायत का ये वीडियो है। तेजी से कटान से इलाका लोगों में दहशत है। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश से बिजनौर में भी हालात काफी बिगड़ गए हैं। बढ़ापुर थाना क्षेत्र के भोगपुर गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे कई घर डूब गए। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। और खबर जालौन से है, जहां दो दिन से हो रही लगातार बारिश के बाद शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में हर जगह पानी भर गया। नाले नालियों की सफाई नहीं होने से जगह जगह जल भरा हुआ। इससे नाले का गंदा पानी लोगों के घरों तक में घुस गया। लोगों ने नगर पालिका लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया और घरों में घुसे गंदे पानी का खुद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया। आप लोग देख सकते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए तो बड़े नाले और नालियां चौक होने से गली मोहल्ले तालाब में तब्दील हो गए। सीवर का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया और सबसे ज्यादा खराब हालात जॉर्ज टाउन थाने का की हुई है, जहां पर 3 फीट तक पानी भर गया है। थानाध्यक्ष के कमरे से लेकर बरामदे और दूसरे जगहों पर पानी भरने से पुलिसकर्मी और थाने पहुंचे फरियादियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।